हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा भारत माता की आरती एक शाम मातृभूमि के नाम का कार्यक्रम श्री कृष्णा पंचायती मंदिर बरनाला के प्रांगण में किया गया। ये कार्यक्रम पूरे बरनाला के कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया गया। इस मौके पर सर्व हितकारी स्कूल के बच्चों द्वारा वंदे मातरम के गायन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ज्योति प्रचंड की रस्म मीत हेयर विधायक पूर्व एमपी राजदेव सिंह खालसा राजीव मित्तल ने अदा की, जिसके बाद भजन गायक राकेश राधे ने देशभक्ति के गीतों से सभी को आनंदित किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता काला ढिल्लो, अकाली नेता कुलवंत सिंह कांता, महेश लोटा, जगराज पंडोरी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक नीलमणि समाधिया ने अपने संबोधन में भारत माता की आरती के महत्व को बड़े विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में बरनाला विश्व हिंदू परिषद के विभाग धर्माचार्य आचार्य श्रीनिवास, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष यशपाल शर्मा, बजरंग दल के जिला संयोजक सोनी गोयल, जिला सह संयोजक रशपिंदर सिंह, राकेश ऋषि, विश्वजीत सिंह, वैभव दुबे, नगर संयोजक मोहित मंडोरा, जिला गो रक्षा प्रमुख विमल पाल, सुरक्षा प्रमुख हरदीप शर्मा, जिला मिलन केंद्र प्रमुख प्रदीप कुमार, जिला बालोपासना प्रमुख जिम्मी भुल्लर, जिला छात्र प्रमुख मनदीप कुमार, सुखविंदर भंडारी, दर्शन गर्ग, श्याम सुंदर गुप्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालक विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजकुमार धूरकोट वालों ने सभी का आभार प्रकट किया। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। भारत माता की आरती विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बरनाला वालों पंचायती मंदिर जी रखी गई सी। मुख्य उद्देश्य कि अपने हिरदे के अपना भारत माता दे अपने देश के वास्ते अपने राष्ट्र वास्ते की भावना ने वो भावना आप खुल के बाहर लिया सकीए। दो घंटे के इस कार्यक्रम के गीतों के राही आप अपने देश में की समर्पण कर सकते हैं, हिरदे नाल की अपने भावनावान उन्होंने बाहर कढ़ सकते हैं। ये वास्ते बजरंग दल बरनाला विश्व हिंदू परिषद ने भारत माता की आरती एक किसान मातृभूमि के नाम इस शीर्षक से कार्यक्रम रखा।